हाय कैसे हैं आप लोग मेरे विश है कि जहाँ भी आप लोग होंगे हेल्दी होंगे हैप्पी होंगे एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो देर आर टू मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑन टॉपिक सिलोलिज्म वन इज वेन डाइग्राम एंड सेकंड इज सेक्शन सिक्सटीन रूल टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व फाइव डिफरेंट क्वेश्चन रूल आल द क्वेश्चन दट वी आर गोइंग टू सॉल्व विल बी टू स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इफ यू आर बिगनर डोट फॉर्गेट टू वॉच माई प्रीवियस वीडियो ओके ऑन टॉपिक चैलोजी आज मैं आपको सिक्स एंड सिक्सटीन रूल के बारे में बताने वाला हूं यहां पर हम आपको बताएंगे कि दो स्टेटमेंट को किस प्रकार से मिलाया जाता है और जब दो स्टेटमेंट मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन देता है ओके विदाउट पेन लिफ्टिंग एनी क्वेश्चन वी कैन सॉल्व बाय दिस रूल सबसे पहले मैं आपको एक टेबल देता हूं इस टेबल को आपको लर्न करना होगा ये टेबल जब आपको लर्न रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर ओरल कर सकते हैं कैसे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेबल लिखते हैं ओके okay? तो यहां पर देखिए ये रूल्स हैं ए प्लस ए बराबर ए जब ए टाइप का स्टेटमेंट ए टाइप के स्टेटमेंट से मिलता है तो ए टाइप का कंक्लूजन निकलता है जब ए टाइप का स्टेटमेंट ई टाइप से मिलता है तो ई e टाइप का कंक्लूजन निकलता है ए टाइप का स्टेटमेंट जब आई से मिलता है देयर विल बी नो कंक्लूजन कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा ए जब ओ से मिलता है तो नो का इंक्लूजन नो का मतलब कि वो मिलेगा ही नहीं मिलने को तैयार नहीं है उससे कोई रिजल्ट निकलेगा ही नहीं नो no का मतलब ये ई प्लस ए बराबर ओ रिवर्स तो सबसे पहले हम आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि चार प्रकार का वाक्य होता है ए टाइप क्या है जिस वाक्य में आल लगा रहे वाक्य पॉजिटिव हो ए टाइप होता है और ई e टाइप क्या है जिस वाक्य में नो लगा रहता है वो ई e टाइप होता है ठीक है नो ए आर बी कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है ई e टाइप होगा और जिस वाक्य में सम लगा रहता है वाक्य पॉजिटिव होता है आई टाइप होता है जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली है तो यहाँ पर सम लगा है वाक्य सकारात्मक है आई टाइप होगा और जिस वाक्य में सम के साथ नॉट लगा रहता है ओ टाइप होता है जैसे कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है सम डॉग्स आर नॉट कैट तो ओ टाइप होता है तो इस प्रकार चार प्रकार के वाक्य होते हैं इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेटमेंट अगर एक्सेप्शनल क्वेश्चन कोई आता है अगर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं है तो उसके लिए मुझे बैंड डायग्राम पे जाना होगा लेकिन सिक्स एंड सिक्सटीन से हम केवल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और कंक्लूजन को ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे ए टाइप का ए जब ए से मिलता है तो ए बना देता है ए ई e से मिलता ई बना देता है ए आई से मिलता ही नहीं नो कंक्लूजन ए ओ से मिलता ही नहीं नो no कंक्लूजन कि जब ए मिलता है तो और रिवर्स बना देता है अब इसको पहले एक्सप्लेन कर दे भाई कि ये स्टार क्या चीज है पहले ये जान लो ये स्टार क्या चीज है जैसे आप ओ टाइप का स्टेटमेंट कोई भी बोलते हो जैसे सम और नॉट बी समे और नॉट बी सम ए आर नॉट बी समे और नॉट बी।, सम बी।, सम बी तो याद रखिए कि जो पहले है वो सब्जेक्ट है क्रिया के बाद हम जो कुछ भी लिखते हैं वो प्रेडिकेट होता है ठीक है तो सम ए आर नॉट बी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के जगह किसी भी वस्तु व्यक्ति जानवर का नाम आप लिख सकते हैं तो सम सम डॉग्स आर आर नॉट नॉट कैट ए बी है ना कुछ भी अगर इस तरह का बोलते हैं तो वो जो होता है वो टाइप होता है और ओ का उल्टा यानी ओ का रिवर्स जब ओ को आप पलट देंगे सब्जेक्ट का प्रेडिकेट प्रेडिकेट का सब्जेक्ट कर देंगे स्टेटमेंट okay? तो है अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं तो स्टेटमेंट है और इसी को हम, आ, करके अगर बोले, पीछे से बोले उल्टा बोले तो क्या बोलेंगे हो जाएगा. क्या बोलेंगे सम बी आर नॉट ए समेत ओ टाइप के स्टेटमेंट को अगर आप पीछे से बोलेंगे पलट के बोलेंगे तो वही हो जाएगा ओ रिवर्स इसको कहते हैं ओ ओ ओ का उल्टा, ओके? तो जब से मिलता है, तो ओ नहीं बनाता है ई जब ओ से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है और ई से मिलेगा देयर विल बी नो कंक्लूजन यानी मिलने को तैयार नहीं है और ई जब आई से मिलेगा तो ओ रिवर्स बना देगा ई जब ओ से मिलेगा तो नो कंक्लूजन आई ए से मिलेगा तो आई टाइप का कंक्लूजन निकलेगा आई जब ई से मिलेगा तो ओ टाइप का निकलेगा आई आई से मिलेगा नो कंक्लूजन आई ओ से मिलेगा नो कंक्लूजन लिसन अगर किसी से भी मिलेगा ओ अगर किसी से भी मिलेगा तो कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा वो अगर किसी से भी मिलता है तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता है यानी वो किसी के साथ दोस्ती नहीं करेगा ओके okay? तो ये सिक्सटीन रूल्स हैं अब आप कहेंगे कि याद कैसे होगा इतना देखिए मैं आपको याद करने का भी एक तरीका बता देता हूं आपको तुरंत याद हो जाएगा कैसे हम आपको याद करने का तरीका बता देते हैं कैसे याद करेंगे देखो इसमें से मात्र सिक्स ऐसे हैं जो कि रिजल्ट देते हैं इसमें से मात्र छह ऐसे हैं जो कि कोई रिजल्ट आपको देते हैं बाकी में कोई भी रिजल्ट नहीं आता है तो वो सिक्स याद कर लो और बाकी में नौ लगा के बोलो ये सोलह तुम्हें याद हो जाएंगे कैसे देखो ए जब ए से मिलता है तो ए बना देता है यानी दोनों अगर यूनिवर्सल पॉजिटिव हैं तो यूनिवर्सल कंक्लूजन निकलेगा ए से मिलेगा तो ए बन जाएगा ए जब ई से मिलता है तो ई बना देता है ओके ई जब आई से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है ओ स्टिच, ओके और ई जब ए से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है ओके और आई जब ए से मिलता है तो आई बना देता है ओके okay? और आई जब ई से मिलता है तो ओ बना देता है तो ओ बना देता है अब आप देख सकते हैं ये सिक्स ऐसा है जो कि कुछ रिजल्ट देगा बाकी में कोई रिजल्ट नहीं निकलने का तो आप सिक्स याद कर लो ये छह याद कर लो बाकी में नो बोलना सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको ओके okay? सारे के सारे याद हो जाएंगे तो ये आपको लर्न करने का मैंने तरीका बता दिया मात्र सिक्स याद कर लो बाकी में नो बोलो सब याद हो जाएगा है ना बहुत सिंपल है थोड़ा सा आप प्रयास करोगे शुरू में तो पूरा आराम से आप समझ जाओगे देखो अब इसके बाद मैं आपको आगे चलता हूं अगर <coughs> अब हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे पहले फिर इसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे तो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं इसमें इसमें क्या है कि पहले हम आपको सिखाएंगे कि दो स्टेटमेंट जब आपस में मिलता है तो किस टाइप का कॉन्क्लूजन निकलता है तो किस टाइप का कॉन्क्लूजन निकलता है तो देखो पहले हम आपको मिलाना सिखाएंगे स्टेटमेंट को मिलाना सिखाएंगे कि मिलेगा तो क्या बनाएगा देखो जैसे और मिलाने के थ्री स्टेप हैं अभी मैं आपको पहला स्टेप सिखाने जा रहा हूं ओके ये देखो ये मैंने दो स्टेटमेंट लिख दिया है इन दोनों को मिलाने से क्या बनेगा आपको बताने हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है टाइप लिख देना है तो चलो भाई बताओ मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए हैं तो बताओ ये किस टाइप का स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी जहां पर ए सब्जेक्ट है बी प्रेडिकेट है वाक्य में आ लगा रहा लगा है तो वाक्य किस टाइप का होता है तो बताओ ए टाइप है तो दोनों स्टेटमेंट किस टाइप के हैं टाइप तो सबसे पहले क्या करना है टाइप लिख देना है लिख दिया टाइप लिख दिया टाइप तो अगर आपको टेबल याद होगा तो बताइए कि ए जब ए से मिलता है ए जब ए से मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन निकलता है बताओ ए जब ए से मिलता है तो क्या बनता है बताओ अगर अभी हमने टेबल लिखा था बताओ ए जब ए से मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा ए टाइप लेकिन यह मिलने को तैयार है जा? मिलने को तैयार है अगर मिलेगा तो ए टाइप का कंक्लूजन निकाल देगा यूनिवर्सल पॉजिटिव कंक्लूजन निकलेगा लेकिन लेकिन मिलने की भी कुछ शर्तें शर्त क्या है कि भाई मिलाने वाला होना चाहिए यानी मीडिएटर होना चाहिए जिसको हिंदी में हम मध्यपद कहते हैं कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन एलिमेंट क्या है बी कॉमन एलिमेंट क्या है बी और कॉमन भी हो तो कैसा कॉमन भी हो तो कैसा पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट होना चाहिए अगर ऐसा है तो इसको डिलीट कर दिया जाता है ओके पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट अगर दूसरे स्टेटमेंट का सब्जेक्ट है तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा और जो बचेगा उसे उस लैंग्वेज में बोलेंगे जो रिजल्ट निकलता है तो बताओ अब जो बचा उसको ए के फॉर्म में बोलना है तो बताओ क्या बोलोगे आल ए आर सी ऑल ए आर सी यानी हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा ऑल ए आर सी और सी की जगह किसी भी व्यक्ति वस्तु जानवर का नाम आप रख सकते हैं क्योंकि ये स्टेटमेंट काल्पनिक होते हैं यहां सभी कुत्ते बिल्ली भी हो सकते हैं ऐसे भी हो सकते हैं ओके चलिए अब दूसरा देते हैं आप अपने से करके बताइएगा ये दो ही स्टेटमेंट हमने लिख दिया है दोनों को मिलाने से आपको बताना है कि किस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है टाइप लिखना है तो बताओ किस किस टाइप का है पहला ए टाइप है क्यों क्योंकि आ लगा है वाक्य सकारात्मक है और दूसरा किस टाइप का है बोलो ई e टाइप का है तो टाइप लिख दिया तो बताओ ए और ई e से क्या बनता है अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा कि ए टाइप का स्टेटमेंट जब e ई टाइप के स्टेटमेंट से मिलता है तो किस टाइप का कंक्लूजन ड्रा होता है तो बताओ किस टाइप का निकलेगा ए जब ई e से मिलेगा तो बताओ किस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा ई टाइप यूनिवर्सल निगेटिव यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल निगेटिव अगर मिलेंगे तो यूनिवर्सल निगेटिव कंक्लूजन निकलेगा मिलने को तैयार है अगर कंक्लूजन निकाल रहा है तो मिलने को तैयार है मगर मिलने की कुछ शर्तें हैं शर्तें क्या हैं कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो बताओ भाई कॉमन क्या है सी और कॉमन भी हो तो कैसा पहले का प्रेडिकेट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो उसको डिलीट कर देंगे डिलीट कर देंगे और जो बचेगा उसको उस लैंग्वेज में बोलेंगे जो रिजल्ट निकलता है तो बताओ किस टाइप का रिजल्ट निकलता है ई e टाइप का तो ई e के लैंग्वेज में बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई बोलो नो no लगा के बोलेंगे जो बच्चा वही तो बोलेगा तो बताओ नो ए आर बी नो ए आर बी कोई ए बी नहीं है इनके मिलने से मेरा रिजल्ट ए आएगा ओके okay? नेक्स्ट अब मैं दूसरा आपको देता हूं अपने से मिलाइएगा चलिए इसको मिला के बताइए जल्दी से क्या निकलेगा कौन सा रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है बोलो जल्दी टाइप किस किस टाइप का है आई टाइप और ए टाइप लिख दिया टाइप अगर टेबल याद होगा तो पता होगा ना कि आई जब ए से मिलता है तो क्या बनता है आई जब ए से मिलता है तो क्या बनता है आई और ए से आई बनता है भाई टेबल अगर याद होगा तभी आप बता पाओगे तो आई जब ए से मिलता है तो आई बना देता है और मिलने की कुछ शर्तें होती हैं शर्तें क्या है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो कॉमन एलिमेंट यहां पर देखिए सी है और कॉमन भी हो तो कैसा पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए अगर ऐसा है डिलीट कर दो और जो बचा रिजल्ट वो आई के फॉर्म में बोलोगे तो क्या बोलोगे सम बी आर ए ये रिजल्ट आ जाएगा आपका सम बी आर ओके दूसरा चलो इसको जल्दी से बताओ क्या होगा इसको मिलने से दो स्टेटमेंट मैंने दे रखे हैं इनके मिलाने से कौन सा रिजल्ट आएगा जल्दी बताओ तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है टाइप लिखना है तो लिख दो टाइप आई टाइप और ई टाइप ओके अगर आपको टेबल याद है तो पता होगा कि आई जब से मिलता है तो क्या बना देता है आई जब ई से मिलता है तो वो बना देता है मगर मिलने की कुछ शर्तें हैं कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो कॉमन एलिमेंट क्या है सी 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 कट गया अब जो बचा उसको ओ के लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ओके okay, लैंग्वेज में सम के साथ नॉट लगा रहता है तो सम के साथ नॉट लगा के बोलिए क्या बोलेंगे सम आर नॉट बी समय आर नॉट बी ये आपका रिजल्ट आ जाएगा समय आर नॉट बी ओके तो कर लेंगे ना चलिए अब दूसरा एक और करके बताइए जल्दी से बताओ भाई किस किस टाइप का स्टेटमेंट है जल्दी करिए चलिए किस किस टाइप का स्टेटमेंट है बोलो ई e टाइप और ए टाइप लिख दिया टाइप अब बताओ टेबल अगर याद हो तो पता हो जाएगा कि जब ए से मिलेगा तो क्या बनेगा <coughs> अगर टेबल याद किए होंगे तो बता देंगे तो बताओ ई जब से मिलेगा तो क्या बना देगा बोलो ओ रिवर्स यानी कि वो अष्टी चौका उल्टा तो ओ बना के उसी को पलट दोगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट चेंज कर दोगे और रिवर्स बन जाएगा तो बताओ भाई ये मिलने को तैयार है मिलने को तैयार है तो मिलने के कुछ शर्तें भी हैं शर्त क्या है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो है तो है तो तो और कॉमन एलिमेंट कैसा होना चाहिए पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए डिलीट हो जाएगा और जो बचेगा वो रिवर्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो देखिए अगर वो बोलना होता तो बोलते कि सम नॉट सी मगर वो रिवर्स बोलना है तो इधर से इधर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सम सी और नॉट ए सम सी और नॉट ए रिजल्ट आ जाएगा सम सी और नॉट ए अब एक आप अपने से करो जल्दी से चलिए फास्ट जल्दी करिए बताओ किस किस टाइप का है जल्दी बोलो किस किस टाइप का है ये ई टाइप है और ये आई टाइप है तो ई आई से मिलता है क्या अगर टेबल आपको पता होगा ना तो ये बता देंगे कि मिलता है कि नहीं मिलता तो बताओ ई आई से मिलता है ना तो ई जब आई से मिलेगा तो क्या बना देगा ई जब आई से मिलेगा और रिवर्स बना देगा मिलने की कुछ शर्तें हैं शर्त क्या है पहले स्टेटमेंट का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए और ये कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो कॉमन है पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है डिलीट कर दो जो बचा उसको और रिवर्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बताओ क्या बोलेंगे समे आर नॉट बी समे आर नॉट बी समे आर नॉट बी तो यहां पर हमने अभी आपको दो स्टेटमेंट को मिलाना सिखाया कि, कि किस प्रकार से दो स्टेटमेंट आप मिलाओगे लेकिन अब मैं दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ एक स्टेप आपने सीख लिया है कि अगर दो स्टेटमेंट आपको दिया जाता है तो आप उसे कैसे मिलाएंगे इसको आपने सीख रखा है अभी अब आपको दूसरा स्टेप पे ले जाते हैं कि दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे दूसरे चरण में क्या करोगे देखो ये दो ही स्टेटमेंट मैंने आपको दे दिया अब इसको मिला करके आपको बताने हैं कि कौन सा निष्कर्ष निकलेगा क्या निकलेगा भाई तो सबसे देखिए हमारा तरीका वही होगा जैसे हम लोग पहले करते थे करेंगे वैसे ही तो बताओ सबसे पहले क्या करना है क्या बताया मैंने टाइप लिखना है तो बताओ किस किस टाइप का है आई टाइप का है और ई टाइप का है लिख लिया टाइप तो भाई टेबल याद है तो टेबल याद है तो ये पता चल जाएगा कि आई जब ई से मिलता है तो क्या बनता है आई जब इसे जब मिलेगा ना तो क्या बना देगा ओ बना देगा यानी इससे मतलब है ओ निकल रहा है इसका मतलब है कि ये मिलने को तैयार है आई और ई मिलने को तैयार है ओ बना देगा मगर मिलने की कुछ शर्तें ये तभी मिल पाएगा जब शर्तें पूरी होंगी तो शर्त क्या है कि कामन एलिमेंट होना चाहिए तो चलो कामन तो है कॉमन तो है लेकिन एक प्रॉब्लम है कि कॉमन हो तो कैसा पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए जबकि यहाँ पर ये बात नहीं है तो यानी आप इसको नहीं मिला सकते तो दूसरा स्टेप क्या है यहाँ पर हम आपको अब दूसरा स्टेप बताते हैं क्या करना है कि अगर ये पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट नहीं है तो नीचे वाले को ऊपर कर देना या ऊपर वाले को नीचे कर देना नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर लिख देना या ऊपर वाले स्टेटमेंट को नीचे लिख देना और ऐसा करके देखना होता है क्या तो चलो ई को हम ऊपर ले जाते हैं क्या है नो सीआरए नो सीआरए ए अब आई वाला नीचे हो जाएगा तो सम ए आर बी तो भाई हमने क्या किया नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर कर दिया ऊपर वाले को नीचे कर दिया अब बताओ ई ऊपर हो गया आई नीचे हो गया तो टेबल याद होगा ना तो बताओ ई आई से जब मिलता है तो क्या बना देता है ई जब आई से मिलता है तो ओ रिवर्स बना देता है ओ का ओ आस्टिच ओ का उल्टा बता बना देता है तो मिलने की शर्त होनी चाहिए शर्त क्या है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो भाई देखिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट है और कॉमन भी हो तो कैसा पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए अगर ऐसा है तो इसे डिलीट कर देंगे और डिलीट कर देंगे और जो बचा उसको रिवर्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बताओ और रिवर्स के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे और रिवर्स बोलना है अगर वो बोलना होता तो बोलते कि सम सी आर नॉट बी अगर वो रिवर्स बोलना है तो बोलेंगे सम बी आर नॉट सी सम बी आर नॉट सी नॉट सी ये रिजल्ट आएगा तो चलिए एक मैं आपको देता हूं आप अपने से थोड़ा करिए एक मैं आपको दे रहा हूं आप अपने से करिए ओके ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया इसको मिलाने से आपको बताना है कि किस टाइप का रिजल्ट आएगा भाई अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जब ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा ना तभी हम क्वेश्चन पे चलेंगे फिर क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा देखो ये दो ही स्टेटमेंट दिया है इसको मिलाने से क्या निकलेगा ये बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे हैं सबसे पहले क्या करना है टाइप लिखना है तो लिख दो टाइप इसका फटाफट बताओ ये किस किस टाइप का है ए टाइप का है और ये किस टाइप का है आई टाइप का है लिसन हियर फ्रेंड्स मैंने अभी आपको टेबल लिख कर दिया था बताओ ए जब आई से मिलता है तो क्या बनता है नो कंक्लूजन नो कॉन्क्लूजन में मिलने को तैयार ही नहीं है अब मिलने को तैयार नहीं है तो क्या होगा आपको पता है कि हम किसी स्टेटमेंट को ऊपर नीचे कर सकते हैं ए जब ऊपर है आई नीचे है तो मिलने को तैयार नहीं है मगर आई ऊपर रहता ए नीचे रहता तो मिलने को तैयार हो जाता ओके और यहाँ पे देखिए कॉमन एलिमेंट तो है कॉमन एलिमेंट तो है मगर पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए वो भी नहीं है तो हम क्या करेंगे नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर वाले स्टेटमेंट को नीचे लाते हैं तो चलो आई को ऊपर ले गए और ए को नीचे लाते हैं तो सम आर बी समी आर बी ऊपर ले गए और उसको नीचे लिया ऑल बी आर ऊपर नीचे ला दिया ऑल बी आर ए अब बताओ भाई टेबल याद है ना तो बताओ आई जब ए से मिलेगा तो क्या बनेगा आई अगर ए से मिलेगा तो क्या बना देगा आई आई बना देगा तो बताओ मिलने की शर्त पूरी होगी ना कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो है ना कॉमन है तो कॉमन कॉमन एलिमेंट होना चाहिए और अगर पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट है तो ये क्या होगा डिलीट हो जाएगा और जो बचेगा ना उसको आई के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बताओ क्या बोलेंगे आई के लैंग्वेज में सम सी आर ए क्या बोलेंगे सम सी और ए। रिजल्ट आ जाएगा सम सी आर तो मैंने आपको दो में दो स्टेप बता दिया क्या कि अगर स्टेटमेंट सीधे सीधे मिल जाता है तब तो ठीक है अगर सीधे सीधे नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप नीचे वाले को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे लाना है ठीक है अगर ऐसा करने से हो जाता है तो भी ठीक है लेकिन अगर ऐसा करने से भी नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे आप अब तीसरा स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं है ना ध्यान से देखो ये दो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है हमारा पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी और हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ए आर सी अब इनको मिलाने से कौन सा कंक्लूजन निकलेगा ये आपको बताने हैं तो स्टेप हमारा वैसे ही चलेगा अब देखिए इसमें क्या करना है मैं तीसरा स्टेप अब आपको समझाने जा रहा हूं कैसे तो सबसे पहले क्या करना है टाइप लिखना है तो बताओ किस किस टाइप का है इतना तो क्लियर हो चुका होगा आपको बताओ किस किस टाइप का है ए टाइप ए टाइप जिस वाक्य में आ लगा हो वाक्य सकारात्मक हो ए टाइप होता है तो टाइप लिख दिया तो भाई टेबल याद होगा आपको कि ए जब ए जब से मिलता है तो क्या बनता है बताओ ए जब ए से मिलता है तो ए बना देता है यानी को तैयार है मिलने को तैयार है लेकिन कुछ शर्तें भी हैं शर्त क्या है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो कॉमन एलिमेंट तो है कॉमन तो है लेकिन कॉमन हो तो कैसा पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए ये बात तो है नहीं यहाँ पे तो फिर हम आएंगे सेकंड स्टेप में तब हम कहाँ आएंगे सेकंड स्टेप में आएंगे और देखेंगे कि क्या नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे करने से कोई फायदा है क्या तो चलो इसको ऊपर ले जाते हैं इसको नीचे लाते हैं कर लिया उसको नीचे वाले को ऊपर ले गया ऊपर वाले को नीचे लाया तो भी ए ए टाइप रहेगा और ए जब ए से मिलेगा तो बताओ क्या बना देगा ए बना देगा लेकिन अभी भी शर्त पूरी नहीं हुई कॉमन एलिमेंट तो है मगर पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए ये चीज नहीं है और ये चीज नहीं है तो ये मिल नहीं पाएगा और मिल नहीं पाएगा तो रिजल्ट निकल नहीं पाएगा और रिजल्ट नहीं निकल पाएगा तो अब क्या करेंगे क्या छोड़ दें नहीं हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे फर्स्ट स्टेप मिलाने की कोशिश करेंगे मिलता है तो अच्छी बात है सेकंड स्टेप नीचे ऊपर करके देख लेंगे मिलता है तो अच्छी बात है और नहीं मिला तो तीसरे स्टेप में जाएंगे और तीसरा स्टेप है कन्वर्जन तीसरा स्टेप क्या है कन्वर्जन एक कन्वर्जन का रूल है ये आपको लर्न करना होगा आप इसको पहले समझ लो कन्वर्जन क्या है याद रखो कि ए का कन्वर्जन गा आई में होता है आई का कन्वर्जन आई में होता है ई का कन्वर्जन ई में, में होता है ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं है ये कन्वर्जन का रूल है और कन्वर्जन में क्या होता है कि सब्जेक्ट का प्रेडिकेट प्रेडिकेट का सब्जेक्ट हो जाता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाता है प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाता है दो चीज होते हैं एक डेरिवेशन होता, होता है बिना सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट को बदले अगर बिना सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट को बदले अगर उसकी लैंग्वेज बदल जाती है तो दिस इज दैट इज कॉल्ड डेरिवेशन और कन्वर्जन में क्या होता है कि उसकी लैंग्वेज भी बदल जाती है और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी बदल जाता है तो थोड़ा मैं इस रूल को आपको पहले समझा लूं इसके बाद आगे चलता हूं तो जैसे एक का कन्वर्जन दिया आई में तो एक कन्वर्जन आई में क्यों होता है पहले ये समझ लो जैसे मैं लिखूं कि ऑल डॉग्स आर कैट ऑल डॉग्स आर कैट सभी कुत्ते बिल्ली तो अगर मैं इसका बेन डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा ऐसा बनेगा ऑल डॉग सार ओके अब देखो इस स्टेटमेंट का मैंने डायग्राम बना दिया है और इसके आधार पे अगर मैं बोलूं कि सम कैट सार डॉग मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि इनर से आउटर जाने पर आल सम दोनों निकलता है आउटर से इनर आने पर केवल सम निकलता है अगर मैं बोलूँ सम कैट्स आर डॉग तो बताओ सही होगा कि नहीं बिल्कुल सही होगा अगर ऑल डॉग्स आर कैट सही है तो सम कैट्स आर डॉग भी सही होगा यानी कि सम कैट्स आर डॉग यहां पर बोल सकते हैं आप सम कैट्स आर डॉग यानी ए का कन्वर्जन आई में हो सकता है ए का कन्वर्जन किस में हो सकता है आई में हो सकता है कन्वर्जन की जरूरत क्यों पड़ती है देखिए मैं क्या चाहता हूं ये जो कॉमन एलिमेंट है पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट बन जाए ताकि मैं उसे डिलीट कर दूं और जब तक ये मध्य पद डिलीट नहीं होगा तब तक ये स्टेटमेंट मिलेगा नहीं और कंक्लूजन निकलेगा नहीं तो इसको काटने के लिए कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो याद रखिए कि ये कन्वर्जन आई में कर सकते हैं अब आई का कन्वर्जन आई में क्यों होता है इसको भी समझ लो जैसे मैं लिखूँ सम डॉक्स आर कैट ये किस टाइप का वाक्य है आई टाइप का सेंटेंस है और आई का कन्वर्जन आई में होता है तो सबसे पहले इसका अगर मैं डायग्राम बना लू समॉक्स कैट ये रहा आपका डाग और ये रहा कैट समर कैट तो भाई ये बताओ कि अगर इसके आधार पे मैं ये लिखूं कि सम सम कैट्स आर डॉग तो क्या ये सही होगा यस yes, बिल्कुल सही होगा क्योंकि याद रखिए दिस रीजन इज कॉमन डॉग एंड कैट ओके तो अगर सम आर कैट सही है तो डॉग भी सही होगा इसीलिए कहा जाता है कि आई का कन्वर्जन आई में होता है ओके okay? अब मैं आपको अब मैं आपको बताता हूं ई e टाइप का अब मैं आपको ई e टाइप का बताता हूं ई e का कन्वर्जन ई e में होता है क्यों होता है ई e का कन्वर्जन ई e में देखो जैसे स्टेटमेंट लिखता हूं नो डॉग्स आर कैट कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है अगर हम लोग इसका डायग्राम बना लें तो कैसा बनेगा डायग्राम इट इज डॉग इ ट देअर इज नो रिलेशन बिटवीन डॉग एंड कैट तो बोला गया नो डॉग्स आर कैट यानी कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो बताओ अगर नो डॉक्स आर कैट सही है तो ई का कन्वर्जन ई में होता है तो मैं इसको लिख सकता हूं कि नहीं कि हम लिख सकते हैं कि नहीं नो कैट्स और डॉग नो कैट्स आर डॉग बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि नो डॉग्स आर कैट सही है तो डाक no भी सही होगा इसलिए कहा जाता है कि ई e का कन्वर्जन ई e में होता है ई e का कन्वर्जन ई e में होता है ओके okay? तो ए का कन्वर्जन किसमें होता है आई में आई का कन्वर्जन किसमें होता है आई में ई e का कन्वर्जन किसमें होता है e ई में ओ का कन्वर्जन नो कन्वर्जन ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं ओके okay? अब मैं आपको आगे बताता हूं ठीक है अब हम आपको आगे बताते हैं <coughs> देखिए ये स्टेटमेंट था हमारा कन्वर्जन का रूल अभी हमने आपको समझाया है अब ये स्टेटमेंट है मेरा दोनों ए टाइप है मिलने को तैयार है ए ए मिलेगा ए बना देगा मिल कॉमन एलिमेंट भी है बस उसकी पोजीशन सही नहीं है अगर ये वाला ए अगर यहां होता तो क्या ये दोनों मिल जाते यस मिल जाते अच्छा बता सकते हो कि मैं कन्वर्जन पहले वाले का ही क्यों कर रहा हूं इसका भी तो कर सकता था देखो अगर इसका कन्वर्जन करोगे ना तो ये यहां चला जाएगा तो क्या शर्त पूरी हो जाएगी नहीं और ऊपर ए रहेगा नीचे आई रहेगा ऊपर होगा और आई अगर नीचे होगा तो याद रखो कि ए आई अगर मिलता है तो देर विल बी नो कंक्लूजन कोई निष्कर्ष नहीं निकलता यानी वो मिलता ही नहीं ओके तो देखो अब हम आपको बताते हैं अगर इस स्टेटमेंट का अगर हम लोग कन्वर्जन कर दें अगर उसका हम लोग कन्वर्जन कर दें तो ये मिल जाएगा कैसे ऑल ए आर बी अभी हमने आपको बताया कि का किस में होता है आई में तो याद रखो कि सम लगा करके और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बदल दो कन्वर्जन हो जाएगा तो ए का कन्वर्जन यहां पर कर देते हैं कैसे ए का कन्वर्जन होगा आई में भाषा बदल जाएगी सब्जेक्ट प्रेडिकेट बदल जाएगा तो बी आर ए सम बी आर ए, ओके? और इस वाक्य को जस का तस नीचे लिख लो जैसे है एज इट इज उसको नीचे लिख लो ए टाइप का है ऑल ए आर सी लिख लिया अब ऊपर आई नीचे ए तो बताओ आई और ए से क्या बनता है आई और ए से क्या बनता है टेबल याद होगा ना तो बता दोगे आई और ए से क्या बनता है आई और ई बनता है यानी मिलने को तैयार है अगर मिलेगा तो वाई टाइप का कंक्लूजन निकल जाएगा लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शर्त पूरी है यस कॉमन एलिमेंट भी है और पोजीशन भी सही है पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए अब यह डिलीट हो जाएगा और जो बचा उसको उस लैंग्वेज में बोलेंगे जो निष्कर्ष निकलता है तो आई के लैंग्वेज में बोलेंगे तो बताओ आई के लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे सम बी आर सी बी आर सी समबीआरसी तो याद रखो कि इन दोनों स्टेटमेंट के मिलने से रिजल्ट जो आएगा क्या आएगा सम आर सी ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं चलिए अब इसको मिलाते हैं ये दो स्टेटमेंट मैंने आपको दे रखा है अगर ये दोनों स्टेटमेंट मिलेगा तो बताओ किस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा बताओ जल्दी किस टाइप का कंक्लूजन निकलेगा तो प्रोसेस से चलते हैं क्या बताया है? सबसे पहले क्या करना है टाइप लिखना है तो आई टाइप है और ई टाइप है भाई लिख दिया टाइप इसका लिख दिया टाइप ओके अब देख लो आई ई e से मिलता है क्या टेबल याद होगा तो पता चल जाएगा तो बताओ आई जब ई e से मिलता है तो क्या बना देता है ओ बना देता है यानी मिलने को तैयार है अगर मिलेगा तो ओ बना देगा लेकिन मिलने की कुछ शर्तें भी हैं शर्त क्या है कॉमन एलिमेंट होना चाहिए तो है तो कॉमन लेकिन इसकी पोजीशन सही नहीं है कॉमन भी हो तो कैसा पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए अगर ये सी यहां होता तो मैं इसे डिलीट करके मिला देता मगर ऐसा है नहीं तो क्या करेंगे क्या नीचे वाले को ऊपर करने से कोई फायदा है क्या नहीं सी के ऊपर ही सी रहेगा क्या फायदा कुछ नहीं तो क्या करते हैं इसका कन्वर्जन कर देते हैं तो बताओ भाई आई का कन्वर्जन किसमें होता है अभी मैंने बताया आई का कन्वर्जन आई में होता है तो समी आर ए समी आर ए तो बताओ क्या हो जाएगा सम ए आर सी सम क्योंकि आई का कन्वर्जन आई में होता है अब इसको एज इट इज इसमें कुछ नहीं करना अब इसको जस का तस नीचे लिख लो नो सी आर बी टाइप है नो सी आर बी लिख लिया अब बताओ आई जब से मिलेगा तो क्या बना देगा आई जब से मिलेगा तो क्या बना देगा वो बना देगा मिलने की शर्त पूरी है यस कॉमन एलिमेंट कॉमन एलिमेंट सी पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए तो है इसको डिलीट कर दो और जो बचा उसको ओके लैंग्वेज में बोलेंगे ओके okay, लैंग्वेज में अगर बोलेंगे ओके okay, लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बोलो ओके okay, लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे सम ए आर नॉट बी रिजल्ट आ जाएगा सम ए आर नॉट बी ओके तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मिलाने के तीन स्टेप मैंने अभी आपको बताया पहला कि अगर सेंटेंस सीधा सीधा मिलता है तो ठीक है अगर नहीं मिलता तो नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे करके मिला लो तो भी सही है और तो भी नहीं होता तो कन्वर्जन कर लो कन्वर्जन करके मिला दो और तब भी नहीं मिलता तो फिर समझ लो कि वो मिलने वाला नहीं फिर कि देर विल बी नो कंक्लूजन फिर वो मिलने मिलना ही नहीं उसको ओके तो अब क्या करेंगे क्वेश्चन बताते हैं इस पर हरित कुछ क्वेश्चन एक दो करा देते हैं तो देखो क्वेश्चन करा देते हैं चलो आप क्वेश्चन पे आते हैं डॉग्स आर कैट और दूसरा स्टेटमेंट है ऑल कैट्स और रैट यह स्टेटमेंट है अब कंक्लूजन दे रहा हूं पहला कॉन्क्लूजन है सम कैट्स आर डॉग और दूसरा कंक्लूजन है ऑल right. आज हम बेंड डायग्राम यूज नहीं करेंगे हम ओरल ही करेंगे बेंड विदाउट बेंड डायग्राम के क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे देखो जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ऐसे करना सबसे पहले क्या करना ना टाइप लिखना तो बताओ ये किस किस टाइप का है दोनों ए टाइप है यहां लगावा के सकारात्मक है दोनों ए टाइप है टाइप लिख दिया इसका अब क्या करना कि फटाफट फड़ दोनों का कन्वर्जन करना और नजर यहां रखना इसका कन्वर्जन करेंगे नजर यहां रखेंगे मिल गया तो सही टिक कर देंगे और नहीं मिला तो कोई बात नहीं नहीं मिला तो कोई बात नहीं और मिलेगा तो टिक कर देंगे जैसे ए है ए का कन्वर्जन देखिए दो बार होता है एक बार सम लगा के इधर से इधर बोलेंगे और एक बार सम लगा के इधर से इधर बोलेंगे क्यों क्योंकि ए का कन्वर्जन होता है आई में और आई का कन्वर्जन अगेन आई में होता है इसलिए ए का कन्वर्जन टू टाइम्स होता है सम लगा के एक बार इधर से इधर बोलोगे वो भी निकल जाएगा और सम लगा के इधर से इधर बोलोगे तो भी निकल जाएगा तो कैसे सम कैट्स और डॉग सम डॉग्स और कैट ए का कन्वर्जन टू टाइम्स सम लगा के इधर से इधर और इधर से इधर तो सम कैट्स और डॉग अगर यहां होगा तो सही हो जाएगा सम डॉग्स और कैट अगर वो भी होगा तो सही हो जाएगा तो देखो सम कैट्स और डॉग पहला सही हो गया पहले स्टेटमेंट का कन्वर्जन किया और पहला सही हो गया फटाफट ओके अब दूसरे का भी चेक करेंगे हमेशा प्रोसेस से हम गुजरेंगे जो हमारे प्रोसेस में आया सही है नहीं आया तो कोई बात नहीं अब उसी तरह दूसरे का भी करेंगे क्या नहीं भाई दोनों का टाइप लिखा दोनों का कन्वर्जन किया चेक किया नहीं मिला ओके अब दोनों को मिला दो दोनों को मिला दो ये दोनों स्टेटमेंट को, को मिला दो अभी मैंने सिखाया कि ए जब ए से मिलता है तो बताओ क्या बनता है ए ए से मिलेगा तो क्या बनेगा ए बनेगा मिलने को तैयार हो गया शर्त पूरी है क्या कॉमन एलिमेंट होना चाहिए यस yes. तो कॉमन एलिमेंट क्या है भाई इसमें कैट कैट और पहले का प्रेडिकेट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो कट गया और जो बचा उसको एक के फार्म में बोलेंगे एक लैंग्वेज में बोलेंगे तो बताओ क्या बोलेंगे ऑल डार्कस आर राइट ऑल डार्कस आर राइट है क्या यस बोथ विल बी करेक्ट दोनों सही है अगर मैं इसको डायग्राम से करूंगा तो भी आ जाएगा लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि नजर से देख के क्वेश्चन को बता सकते हो इसका आंसर क्या है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है स्टैंडर्ड स्टेटमेंट और स्टैंडर्ड कंक्लूजन अगर गिवेन है तो विदाउट पेन उठाए किसी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ देख करके आप बता सकते हो कैसे अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं दूसरा क्वेश्चन देते हैं जैसे देखो सम बसेज आर ट्रक्स ओके फिर है ऑल <coughs> ट्रक्स आर कार ये दो स्टेटमेंट है कंक्लूजन दे रहा हूं पहला दूसरा स्टेटमेंट है सम बसेज आर ट्रक्स दूसरा स्टेटमेंट है ऑल ट्रक्स आर कार कंक्लूजन दे रखा है सम बसेज आर कार दूसरा है सम कार इसके बाद ऑप्शन भी दिया रहता है गिव द आंसर है इफ ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज टू गिव द आंसर बी इफ ओनली सेकंड इज टू गिव द आंसर सी दीदर फर्स्ट और सेकंड इज टू गिव द द आंसर आंसर डी फर्स्ट इज गिव इफ इफ फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ कंक्लूजन आर टू ओके तो देखो अब क्या करते हैं अब इसमें चेक करना है सम बसेज आर कार सम सम्स आर बसेज तो सबसे पहले उसी तरह चेक करेंगे क्या करना है टाइप लिखना है भाई लिख दिया टाइप फटाफट फटा दोनों का कन्वर्जन करो चेक कर दो आई का कन्वर्जन आई में होता है सम बसेज आर ट्रक सम ट्रक्स यहां काम करो नजर यहां रखो मिलता है तो सही कर दो नहीं मिलता कोई बात नहीं सम बसेज आर ट्रक सम सम्रक बसेज है क्या नहीं का कन्वर्जन टू टाइम्स करेंगे सम कार सार ट्रक सम ट्रक सार कार है क्या नो अब दोनों को मिलाएंगे आई और ए से बताओ क्या बनता है आई आई और ए से आई बनता है मिलने की शर्त पूरी है क्या यस पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट ट्रक ट्रक कट गया ओके तो क्या बोलेंगे सम बसेज आर कार हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा आई टाइप का निकलेगा क्योंकि आई और ए से आई बनेगा तो सम बसेज आर कार और सम बसेज आर कार तो सम कार बसेज यानी बोथ विल बी करेक्ट यानी दोनों सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आल क्रोज आर डक आल क्रोज आर डक दूसरा है सम डक्स आर आउल।, आउल ये दो ही स्टेटमेंट दे दिया कंक्लूजन दे रहा हूं पहला पहला है सम क्रोज आर सम क्रोज आर दूसरा नो क्रो इज आउल टू स्टेटमेंट एंड टू कंक्लूजन आर गिवन assuming the given is statement is to be true find out which of the conclusion is definitely correct दो कथन दो निष्कर्ष दिया है दिए गए कथन को सत्य मानते हुए आप बताइए कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है जरा भी डाउटफुल कंडीशन गलत होती है यहाँ जो भी सत्य हो निश्चित रूप से 100 श्योर हो तो देखो सबसे पहले क्या करना है टाइप लिखना है बताओ किस किस टाइप का है ए टाइप आई टाइप ठीक है अब एक का कन्वर्जन टू टाइम्स करेंगे तो सम डक्स आर क्रोस सम क्रोस आर डक्स है क्या नो आई आई का कन्वर्जन में होता है सम आर डक है क्या नो तो दोनों का टाइप लिखा कन्वर्जन किया चेक किया नहीं मिला अब बताओ भाई टेबल में आपको याद है क्या ए जब आई से मिलता है तो बताओ कुछ बनता है क्या ए आई से मिलता है तो कुछ बनता है क्या यस टेबल आपको पता होगा कि ए जब आई से मिलता है देयर विल बी नो कंक्लूजन मतलब मिलने को तैयार नहीं है मिलने को तैयार नहीं है तो सुनिए अब क्या करेंगे कि दूसरा स्टेप लगाएंगे नीचे वाले को ऊपर ले जाओ भाई नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाओगे तो देखो आई यहां लिखोगे अगर तो क्या हो जाएगा सम डक्स आउल सम ये बताओ अगर डक यहां रहेगा आउल यहां रहेगा तो आउल और डक ऐसे कटेगा क्या नहीं कट नहीं पाएगा अगर आप आई ऊपर ले जाओगे तो ये जो है देखो अभी क्या है ये ढक कटने को तैयार है लेकिन ये मिलने को तैयार नहीं है जब मिलने को तैयार नहीं है तो कंडीशन फुलफिल है लेकिन जब ये मिलने को तैयार होगा अगर आई ऊपर होता ये नीचे होता तो मिल जाता आई और ए से आई बनता है अगर ये मिलने को तैयार होगा तो यहां आउल हो जाएगा और यहां क्रो हो जाएगा तो कटेगा नहीं ओके तो कट नहीं पाएगा मतलब जब शर्त है तो मिलने को तैयार नहीं अब मिलने को तैयार है तो शर्त नहीं यानी एट कास्ट मिल नहीं पाएगा तो आप बोलोगे थर्ड स्टेप लगाओ कन्वर्जन कर दो चलिए अगर मैं इसका कन्वर्जन कर दूं तो क्या हो जाएगा आई का कन्वर्जन आई में डक यहां चला जाएगा तो भी डक डक नहीं कटेगा अगर इसका कन्वर्जन करोगे तो यहां आई बन जाएगा और आई आई से नहीं मिलता याद रखो आई आई मिलेगा तो नो कंक्लूजन यानी कोई भी कोशिश कर लो ये मिलने को तैयार नहीं और मिलने को तैयार नहीं है तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा और रिजल्ट नहीं आएगा तो इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा तो क्या गलत काट दे दोनों को गलत काट दें नहीं अगर तुमने दोनों को गलत काटा तो आंसर आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा क्यों कि जब भाई नहीं निकला तो आप बोलोगे गलत काट दो नहीं एक स्टेप अभी और है चौथा जो हर क्वेश्चन में आपको चेक करना है क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर याद रखो कि अगर दोनों रिजल्ट दोनों कॉन्क्लूजन अगर स्टेटमेंट के द्वारा नहीं निकल रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चेक करना जरूरी हो जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है यह चीज भी जान लो ए टाइप का रिजल्ट अगर वो टाइप से मिलेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा -O -I -O -I -E. ए ओ का, का साथ पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा आईओ का साथ पाएगा कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा आई ई -E के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बना देगा कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइदर और की कंडीशन ठीक है ना तो दोनों एक साथ गलत होंगे ना दोनों एक साथ सही हो सकते हैं अगर पहला सही तो दूसरा गलत दूसरा Uh, सही तो पहला गलत हो जाएगा तो याद रखो कॉम्प्लीमेंट्री बनने की भी शर्त है क्या शर्त है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कॉमन होना, होना चाहिए एक कॉम्प्लीमेंट्री होने की भी शर्त है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट कामन होना चाहिए जैसे क्रो और आउल यहां है तो क्रो और आउल नीचे भी होना चाहिए ओके तो देखिए ये आई टाइप का निष्कर्ष है और ये ई टाइप का निष्कर्ष है आई और ई से कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप बेन डायग्राम से कॉम्प्लीमेंट्री चेक करते हो तो जनरली वो गलत हो जाता है तो याद रखिए कि सबसे बेस्ट तरीका है अगर कंक्लूजन स्टेटमेंट के द्वारा ड्रॉ नहीं होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा चेक करना चाहिए तो तीन स्टेप है पहले सीधे मिलाएंगे नहीं मिला तो नीचे ऊपर करके देखेंगे तब भी नहीं मिला कन्वर्जन करके देखेंगे और तब भी नहीं हुआ तो लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी चेक करना है हर क्वेश्चन में आपको कॉम्प्लीमेंट्री चेक करने के बाद ही आगे जाना अगर इसमें से कोई भी अगर यहां से ड्रॉ हो जाता तब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनता लेकिन अगर दोनों रिजल्ट अगर यहां से ड्रा नहीं हो रहे हैं तो एक बार कॉम्प्लीमेंट्री आपको चेक करना पड़ेगा तो आई और ई से देखिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है और यहां पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों कॉमन है तो देखिए सम क्रो नो क्रो इज कुछ कौवे उल्लू है। कोई कौवा उल्लू नहीं है दोनों बातें कैसे हो सकती हैं जब कौवा उल्लू हो गया तो फिर कोई कौवा उल्लू नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है है ना तो या तो पहला सही है या तो दूसरा सही है तो इसका आंसर हो जाएगा इधर फर्स्ट और सेकेंड ओके डायग्राम से करेंगे तो भी आ जाएगा मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बेन डायग्राम के माध्यम से इसको बता चुका हूं ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सम सम टीवी आर रेडियो समीवी और रेडियो नो टीवी इस फैन ये दो ही स्टेटमेंट है कंक्लूजन देता हूं पहला कंक्लूजन है सम रेडियो आर नॉट फैन सम रेडियो आर नॉट फैन दूसरा का, दूसरा कंक्लूजन है सम फैंस आर नॉट रेडियो यहां पर दो कथन और दो निष्कर्ष दिया गया है इसको सत्य मानते हुए बताना है कौन सा डेफिनेटली करेक्ट है तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप लिखना है लिख दिया टाइप आई टाइप और ई टाइप आपको पता होगा कि आई जब ई से मिलता है तो क्या बना देता है आई जब ई से मिलता है तो ओ बना देता है यानी मिलने को तैयार है मिलेगा तो बना देगा लेकिन शर्त पूरी होनी चाहिए टी टीबी कॉमन है लेकिन शर्त नहीं पूरी है पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट होना चाहिए ऐसा है नहीं तो चलो आई का कन्वर्जन आई में कर देते हैं आई का कन्वर्जन आई में होता है तो सम टीवी या रेडियो तो इसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं सम रेडियो आर टीवी सम रेडियो आर टीवी क्योंकि आई का कन्वर्जन आई में होता है क्योंकि हमें टीवी को कैंसिल करना था तो पहले का प्रेडिकेट दूसरे का सब्जेक्ट हो गया टीवी टीवी देखो कट गया तो आई और ई से क्या बनेगा आई और ई से क्या बनेगा ओ बनेगा तो आई और से ओ बनेगा अब देखो टीवी कट चुका है तो क्या बोलोगे सम रेडियो और नॉट फैन सम रेडियो और नॉट फैन ये पहला सही हो गया क्या दूसरा सही होगा नहीं क्योंकि ओ का कन्वर्जन नहीं होता है ओ का कन्वर्जन होता ही नहीं अगर इसको आप डायग्राम से करोगे तो देखो पहला स्टेटमेंट मेरा क्या था टीवी या रेडियो टीवी आर रेडियो आप देख सकते हैं सम टीवी आर रेडियो दूसरा क्या था नो टीवी इज फैन नो टीवी इज फैन यानी कि टीवी और फैन में कोई रिलेशन नहीं है टीवी और फैन में कोई रिलेशन नहीं है लेकिन फैन का रिलेशन रेडियो से है कि नहीं है फैन जो है ऐसे भी हो सकता है और रेडियो के अंदर भी हो सकता है याद रखो है ना तो सम, सम फैंस आर नॉट रेडियो आप डिक्लेयर नहीं कर सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा फैन भी रेडियो हो सकता है है ना इट विल बी रॉन्ग लेकिन पहला क्यों सही हुआ सम रेडियो अब यहां देखो इस पर ध्यान दो फर्स्ट टू वर्ड ध्यान दो सम रेडियो कितना रेडियो जितना रेडियो और टीवी है सम रेडियो और नॉट फैन फैन कहीं भी हो वो टीवी को टच नहीं करेगा और रेडियो का जितना हिस्सा टीवी में है वो हमेशा फैन से सेफ होगा तो सम रेडियो कितना जो टीवी है नॉट फैन नॉट फैन इट विल बी करेक्ट ओके लास्ट क्वेश्चन मैंने एक स्टेटमेंट लिया ऑल बुक्स आर पेन और दूसरा स्टेटमेंट है नो पेन इज बैग ये दो स्टेटमेंट मैंने लिया अब इसके बाद कंक्लूजन है पहला नो बुक इज बैग नो बुक इज बैग दूसरा सम बुक्स आर नॉट बैग सम बुक्स आर नॉट बैग दो कथन और दो निष्कर्ष दे दिया तो चलिए सिक्स एंड सिक्सटीन से सॉल्व करते हैं बताओ किस किस टाइप का स्टेटमेंट है ए टाइप है और ई e टाइप है पहला काम क्या करना है टाइप लिखना है दूसरा काम क्या करना है फटाफट दोनों का कन्वर्जन करना है और चेक करना है काम यहाँ करोगे नजर यहां रखोगे मिल गया तो सही है नहीं मिला तो कोई बात नहीं फिर देखो सम पेन आर बुक्स सम बुक्सर पेन अगर होता तो सही कर देते बट है नहीं दूसरा ई e का कन्वर्जन ई में होता है नो पेन इज़ बैग नो बैग इज़ पेन अगर होता तो सही हो जाता बड़ा है नहीं है ना तो चलो बताओ ए जब ई से मिलेगा तो क्या बनेगा टेबल अभी हमने आपको लिख कर दिया था ए जब ई से मिलेगा तो क्या बनेगा याद रखो कि ए जब ई से मिलता है तो ई बना देता है यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव से मिलता है तो यूनिवर्सल नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन निकलता है तो देखो ई टाइप का कंक्लूजन हमारा निकलेगा तो बताओ क्या निकलेगा लेकिन मिलने की शर्तें पूरी होनी चाहिए तो भाई बताओ इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है पेन है ना कॉमन तो पहले का प्रेडिकेट अगर दूसरे का सब्जेक्ट है तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा ओके तो जो बचा उसे उस लैंग्वेज में बोलोगे जो रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट क्या निकलता है भाई ई e टाइप का निकलता है तो ई e जो होता है यूनिवर्सल निगेटिव होता है मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूनिवर्सल पॉजिटिव से पार्शियल पॉजिटिव निकल सकता है यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव निकल सकता है लेकिन कभी भी पार्शियल पॉजिटिव से यूनिवर्सल पॉजिटिव नहीं निकल सकता और पार्शियल नेगेटिव से यूनिवर्सल नेगेटिव नहीं निकल सकता तो हमारा जो रिजल्ट आया ना वो किस टाइप का यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव से पार्शियल नेगेटिव निकलता है तो याद रखो अगर ई सत्य है तो ओ भी सत्य होगा तो देखिए इसको हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा ये कर चुका है नो लगा के बोलेंगे जो बचा है उसमें तो क्या बोलेंगे नो नो बुक इज नो बुक इज नो बुक इज बैग नो बुक इज बैग इट बी करेक्ट और नो बुक इज बैग सही है ए और ई e को मिलाने से अगर ई e सत्य होता है तो वो भी सत्य होगा यानी क्या सम बुक्स और नॉट बैग अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य होगा यानी बोथ विल बी करेक्ट दोनों सही है ओके थैंक यू फ्रेंड्स तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अभी भी ये मेरा दो पार्ट हुआ दो दो लेक्चर हुआ एक इसके पहले मैंने दे दे रखा है जो डायग्राम समझाया था आज मैंने आपको सिक्स एंड सिक्सटीन रूल समझाया है जब मैं अब क्वेश्चन पे चलूंगा तो टू स्टेटमेंट क्वेश्चन थ्री स्टेटमेंट क्वेश्चन फोर स्टेटमेंट और डेफिनेट टाइप के क्वेश्चन पॉसिबिलिटी टाइप के क्वेश्चन रिवर्स सिलाक्स सारे स्टेप बाय स्टेप कराएंगे तो वहाँ पे हम दोनों रूल इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे और सिक्स सिक्सटीन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे और ये मेरा सेवन डेज का लेक्चर होता है जिसमें कि आपको कंप्लीट सिलाक्स जो है आ जाएगा ओके थैंक यू